फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे टोमेटो की चटनी। कई बार ऐसे होता है ना कि जो सब्ज़ी घर पे बनी हुई होती है वो हमारी पसंद की नहीं होती है, या फिर कभी कोई मेहमान अचानक से आ जाते हैं तो कोई घर में सब्ज़ी नहीं होती है, या फिर साइड सब्ज़ी के रूप में भी इसे आप बना सकते हैं, क्योंकि टमाटर की चटनी खाने में लाजवाब है, बनाने में बहुत ही आसान है, इंस्टेंट रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और रेसिपी को देखने के लिए बने रहें वीडियो के एंड तक, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली और स्वागत है आपका कुक विद वैशाली में। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और इसके लिए हमें चाहिए 5 ऑनियंस यानी कि प्याज मीडियम साइज़ के, और 2 टमाटर जिसको हमने रफली काटना होगा। और ये देखिए, हमने रफली काट कर यहाँ पर रख दिए हैं प्याज और टोमेटोज को। अब थोड़े से करी लीव्स लेंगे। करी लीव्स का टेस्ट इस रेसिपी में बहुत अच्छा आता है। चलिए, कढ़ाई हमारी मीडियम फ्लेम पे गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे ऑयल। एक छोटी कटोरी ऑयल का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आप चाहे तो कम ऑयल भी डाल सकते हैं। अब डाल दूँगी मैं इसमें मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई। राई को सरसों भी बोला जाता है और मोहरी भी बोला जाता है। अब राई को अच्छे से क्रैकल करना होगा। ये क्रैकल हो चुके हैं तो मैं इसमें डाल रही हूँ करी लीव्स। अब डाल देंगे उसमें ऑनियंस। कटे हुए ऑनियंस को मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। और इस रेसिपी को मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। हाई फ्लेम पे ना पकाएं या फिर लो फ्लेम पे भी ना बनाएं। ऑनियंस को अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए। अब हम इसमें मिला देंगे नमक। नमक मैं टेस्ट के अनुसार डाल रही हूँ यहाँ पे। नमक के कारण क्या होगा, ऑनियंस बहुत जल्दी ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे, क्योंकि हमें ऑनियंस को ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करना है ऑयल में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली के छोटे छोटे टुकड़े। मैंने टुकड़ों में काट ली है रेड चिली। ये ड्राई रेड चिली है। आप यहाँ पे ग्रीन चिली का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको चिली ऐसे पसंद नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मुझे पसंद है तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। अब मैं इसको ढककर पकाऊंगी 3-4 मिनट के लिए। अब 3-4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि प्याज कितने बढ़िया से ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं। आपको मैं नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। ढककर पकाने से प्याज बहुत जल्दी भी पकते हैं और ट्रांसलूसेंट होते हैं। अब मैं इसमें मिलाऊंगी ड्राई गरम मसाले, जैसे कि हल्दी 1/4 टीस्पून डाली है मैंने, और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। यहाँ पर रेड चिली पाउडर आप या कम या ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन ये सब्ज़ी थोड़ी सी तीखी बहुत अच्छी लगती है खाने में। अब दोनों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी ऑयल के साथ 1 या 2 मिनट के लिए। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें टोमेटोज। और अब तक हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, क्योंकि टमाटर का पानी अपने आप छूटेगा ऑयल के साथ जब ये पकेगा, तो इसमें पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है सभी मसाले और ऑनियंस के साथ, और ये टमाटर भाप पर ही पक जाते हैं। अब हम इसको ढककर पकाएंगे 3-4 मिनट के लिए। 3-4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि टमाटर बढ़िया से देखते ही पता चल रहा है कि ये गल चुके हैं टमाटर। चलिए एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सभी को। और ये बढ़िया से पक चुके हैं टमाटर, आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। अब हम टमाटर की खटास को बैलेंस करने के लिए डाल देंगे उसमें गुड़। 1 टीस्पून गुड़ डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। गुड़ को जागरी भी बोलते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 कटोरी चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स यानी कि हरी धनिया। हरी धनिया के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी को। जागरी को भी मेल्ट करना होगा और
हरे धनिया को भी अच्छे से मिक्स करना होगा। और ये देखिए ये मिक्स हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें इसको 2 मिनट के लिए भाप पर पकाना होगा। अब 2 मिनट हो चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, जैगरी भी मेल्ट हो चुका है इसमें। अब अच्छे से मैं एक बार मिक्स कर लूँगी और देखिए कितने टेम्प्टिंग माउथ वाटरिंग टमाटर की चटनी रेडी हो चुकी है। गैस को कर देंगे बंद और इसको करेंगे सर्व। और ये माउथ वाटरिंग टेम्प्टिंग टमाटर की चटनी आप राइस के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं या फिर नान के साथ खाएं, जिसके साथ भी पसंद हो आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगती है। और बहुत सारी वेज ग्रेवी की रेसिपीज़ हैं मेरी, उसकी प्लेलिस्ट आप प्लीज़ चेक करें, बहुत बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ हैं उसमें। तो आपको ये अगर रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे बनाएं और कमेंट ज़रूर करें। अगली बार फिर से मिलूंगी एक बढ़िया सी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।